नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। सपा विधायक नफीस अहमद के बयान के बाद आजमगढ़ जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पुतला फूंक कर अपना विरोध जताया है और प्रदर्शन शुरू कर दिया है। नगर के कलेक्ट्रेट चौराहे पर भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने सपा विधायक नफीस अहमद और एएमयू प्रशासन का पुतला फूंका। इस दौरान भाजयुमो नेताओं ने कहा कि एक विधायक ने जिस तरह से आरएसएस पर अशोभनीय और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है वह कहीं से जायज नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि एएमयू से जिन्ना की तस्वीरों को हटाया जाना चाहिए। अगर जिन्ना की तस्वीरें नहीं हटाई गई तो भाजयुमो रविवार को अलीगढ़ के लिए कूच करेगी और बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। तो वहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जहाँ पे जनवरी 1938 से फोटो लगे 1938 तो पूछो पहली पहली चीज तो ये बता दूं कि जो 1947 के बाद यहाँ मुसलमान रुका वो मौलाना आजाद के भारत में रुका। अगर उसको मोहब्बत जिन्ना से होती तो जिन्ना के पाकिस्तान में चला जाता। तो वो संगी लोग जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर हमेशा हिंदुस्तानियों को ठगने का काम किया वो हमें देशभक्ति ना सिखाएं। दूसरी सबसे अहम चीज है, इतिहास लिखा जाता है, इतिहास को आप बदल नहीं सकते, क्योंकि एक इतिहास है कि जब 1938 में जिन्ना यूनिवर्सिटी में आए थे और उनसे पहले पहले वहां पर पहुंचने वाले महात्मा गांधी थे जो यूनिवर्सिटी 1920 में गए, और 1938 के बीच में कम से कम 5 ऐसे लोग उस यूनिवर्सिटी में आए। तब देश आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और जिन्ना भी महात्मा गांधी के साथ फ्रीडम फाइटर थे, उस वक्त बुलाया गया था और वो तस्वीरें उस वक्त की लगी हैं। और श्यामा चरण मुखर्जी के साथ पार्लियामेंट के अंदर जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है जिसमें बाबा भीमराव अंबेडकर भी हैं और तमाम उस दौर के फ्रीडम फाइटर हैं उनकी भी तस्वीरें लगी हैं। सबसे अहम बात, अगर जिन्ना से इन लोगों को इतनी ही नफरत है तो जिन्ना हाउस को निस्तनाबूद करें, और इनको इतनी ही नफरत है इतिहास से कि जहां से इनको लगता है कि ये इतिहास है तो सबसे पहले राष्ट्रपति भवन से शुरू करें और ताजमहल लाल किला जितनी भी इमारतें हैं उन सबको निस्तनाबूद करके नई इमारत बनाने का काम करें। ये सिर्फ वो चाहते हैं, क्योंकि मुद्दा ये है कि हमको रोजगार चाहिए, मुद्दा ये है कि महंगाई कम हो, मुद्दा ये है कि हमको डेवलपमेंट चाहिए, बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए। इन सारी चीजों में नरेंद्र मोदी की सरकार, योगी की सरकार फेल है। इसीलिए वो लोग सिर्फ और सिर्फ भावनाओं से और भड़का कर। और एक चीज और बता दें आपके माध्यम से, और ये निवेदन करूंगा कि ये चलाइएगा, ये आरएसएस के लोग ना मुसलमानों के दोस्त हैं ना हिंदू के दोस्त हैं। अगर ये दोस्त होते तो बीएचयू के अंदर भी लाठीचार्ज जो हुआ वो भी चलाने वाले वहां पर आंदोलन करने वाले हिंदू थे और उनका विरोध करने वाले यही दोगले लोग थे जो बीएचयू के अंदर विरोध कर रहे थे, और विरोध करने वाला हिंदू था। और आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो विरोध बच्चे कर रहे हैं उनका भी विरोध करने वाले यही लोग हैं। ना ये देश के हैं, ना ये हिंदू के हैं, ना ये मुसलमान के हैं, सिर्फ और सिर्फ ये अपनी जेब के। आज मैंने नफीस अहमद जो विधायक हैं यहाँ पे, इतने बड़े पद पर रहते हुए उन्होंने इतने अशब्दों का प्रयोग किया है कि सारे जो आरएसएस कार्यकर्ता हैं, भाजपा कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर काफ़ी आक्रोश है। हमने अपना आक्रोश पुतला फूंक कर व्यक्त किया है यहाँ पे है। साथ ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिन्होंने जिन्ना जी का जिन्होंने जिन्ना का फोटो लगाया है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि गांधी जी की सबसे अधिक मूर्तियाँ विदेशों में हैं, भारत से ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तान में किसी भी चौराहे या शिक्षा संस्था या कहीं भी उनकी मूर्तियाँ नहीं पाएंगे। लेकिन हमारा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि एक माना जाना शिक्षा संस्थान जहाँ लोग अच्छे अच्छे शिक्षाएँ ले ग्रहण करते हैं वहाँ पर जिन्ना जी का फोटो लगा हुआ है, और वहाँ के छात्र संगठन जो आगे की राजनीति तय करते हैं वो वहाँ पे उनका समर्थन कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हमारे लिए है। अगर जल्द से जल्द उनकी तस्वीर नहीं हटाया गया तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। आज हमने पुतला फूका है, कल हम यहाँ से कूच करेंगे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए, और उनका छात्र संघ से तस्वीर निकाल के बाहर जूतों से पटक के उनका तस्वीरों में आग लगा देंगे हम लोग। अगर नफीस अहमद ने बोला था कि आरएसएस वाले, उन्होंने ऐसा शब्द का प्रयोग किया था, मैं अपने जुबान से वो नहीं बोल सकता हूँ, दोगला शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था।
अगर वो अपना शब्द को वापस नहीं लेते हैं या मीडिया माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। ठीक है।